सिविल अस्पताल पठानकोट में 108 एम्बुलेंस के माध्यम से एक अज्ञात मरीज को लाया गया, लेकिन मरीज की जानकारी काफी समय तक नहीं मिल पाई कि वह कहां से आया है और उसे किस वाहन की ओर से टक्कर मारी गई है। इस संबंधी सिविल अस्पताल में पहुंचे समाज सेवक रोशी ने बताया कि आज अस्पताल में एम्बुलेंस से एक व्यक्ति को लाया गया था जिसे काफी चोटें आई हुई थी और उसे किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी। यह घायल व्यक्ति बहुत ही गरीब परिवार से है, इसे किस वाहन ने टक्कर मारी है और यह यहाँ किस प्रकार पहुंचा, इस संबंधी एम्बुलेंस चालक ने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि पुलिस ने उसे सूचना दी थी कि एक व्यक्ति यहाँ जख्मी पड़ा हुआ है, उसे ले जाओ। और वहीं सिविल अस्पताल में इलाज कर रही डॉक्टर शिल्पा ने बताया कि एक अज्ञात घायल यहाँ आया था, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसे अमृतसर रेफर कर दिया गया है। घायल की पहचान बंटी आयु 40 वर्ष निवासी बाविया मोहल्ला पठानकोट के रूप में हुई है। सत श्री अकाल जी। सवेर का कोई 11:30 बजे दे तकरीबन मैंने कॉल आई सी, कोई एक अननोन परसन सिगा जिन्हों कोई ही टक्कर गया सिगा, उदा कोई बालीवार्स नहीं मिल रहा सिगा और कंडीशन उदी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिगी। जदों मैं डॉक्टर साहब तो इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने कहा कि 108 नंबर तो एम्बूलेंस जी सी उन्होंने उत्थे छड़ के गई है, बट उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि पेशेंट कितों आया और किन्ने हिट किया, की प्रॉब्लम हुई है, कुछ नहीं। मैं प्रशासन तो यही मांग करता कि उन्होंने फैमिली तो हूँ इतने पहुँच चुकी है, बट पेशेंट बहुत ही पुअर फैमिली तो बिलोंग करता है, यदि इन्फॉर्मेशन कढ़ाई जाए कि इन्हू किन्ने हिट किया जा किस तरह बजे और उन्होंने बनता इंसाफ उन्होंने दिता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो पेशेंट आया सी ऑलमोस्ट 11:30 उदों अननोन सीगा, ही वॉज ब्रॉड बाय 108 एम्बूलेंस, प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिता गया एदा, ते कंडीशन सीरियस है ते इनू अमृतसर रेफर करना पेगा स्पेशलिस्ट दी राय लैके। एदा हुणी 5-10 मिनट्स पहले दे रिलेटिव्स आए है, दे नेबरस या दे फैमिली मेंबर्स गार्डियंस आए है। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ 40 ਈਅਰਸ ਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।